नमस्कार दोस्तों कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है आवाज आ रही है सभी लोगों को ऑल गुड ऑल वेल ठीक है चलो तो बच्चे इस सेशन के अंदर हम लोग नया ऑर्डर शुरू करने वाले हैं और वो है ऑर्डर नंबर इलेवन देखो ऑर्डर नंबर इलेवन दो कॉन्सेप्ट के बारे में है एक है डिस्कवरी एक है इंस्पेक्शन इनफैक्ट जो इसका पहला कॉम्पोनेट है ना इंटेरोगेटरी के बारे में ये मैं आपको समझाने वाला हूँ इस सेशन के अंदर और जो बाकी का बचा कुचा कंटेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे देखो रूल वन से लेके इलेवन इसको पहले आप अलग कर लो पूरे ऑर्डर को डिवाइड कर लो इंटू टू पार्ट तो जो हमारा जो इंटेरोगेटरीज वाला कॉन्सेप्ट है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम रूल वन नंबर इलेवन तो अभी हम उसको इस वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं बड़ा सिंपल सा पार्ट है बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा हाँ पर ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में आपने कभी सुना ना हो बट देर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू बहुत ही बेसिक है बहुत ही सिंपल है और एक्सप्रेशन पे मत जाना समझने की कोशिश करना कि उसका एसेंस क्या है कहानी बहुत आसान है कहानी को ही समझना है और एग्जाम में कहानी को ही लिखना है हम बस स्टिक करेंगे बच्चे एक ही शब्द पे दैट इज दिस टर्म इंटेरोगेटरीज ये होता क्या है पहले इसको समझ लो देखो बच्चे इंटेरोगेटरी क्या होता है ये समझेंगे देखो प्लीडिंग्स के माध्यम से क्या हो रहा था प्लेटिव जब अपनी प्लेट फाइल कर रहा था तो क्या हो रहा था प्लेटिव अपना केस कोर्ट के सामने और अपोजिट पार्टी के सामने रख रहा था समथिंग लाइक द सेम डिफेंडेंट जब अपना डब्ल्यू फाइल कर रहा था तो वो क्या कर रहा था डिफेंडेंट अपना केस अपनी बात को कोर्ट के सामने और अपोजिट पार्टी के सामने रख रहा था ऐसे ही अभी जो जो हमने ऑर्डर नंबर पढ़ा, पे भी पार्टीज का एग्जामिनेशन था वो भी एक तरीके का एक ऐसा ही मौका था जहाँ पे पार्टीज अपने केस एक दूसरे के सामने रख रही थी पर यहाँ पे सभी जगह वेदर इट बी प्लीडिंग्स वेदर इट बी एग्जामिनेशन पार्टी जो है वो अपनी बात को सामने रखने में लगी हुई है इंटेरोगेट्रीज बच्चे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगली स्टेज की बात करता है यहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से सवाल जवाब कर रही है और अभी तक तो कोर्ट सवाल जवाब कर रहा था, था एग्जामिनेशन में दिस इज वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे पार्टी इंटेरोगेट कर रही है मतलब ये गलत शब्द नहीं है यूज करने के लिए क्योंकि इंटेरोगेट से ही इंटेरोगेट्रीज निकल के आ रहा है कि क्वेश्चन कर रही है अपोजिट पार्टी को ऑन दी पॉइंट ऑफ द डिस्प्यूट जो पार्टीज के बीच में है यही कॉन्सेप्ट है बच्चे इंटेरोगेटरी का अच्छी बात क्या है कि ये बिल्कुल फॉर्मल नेचर की इंटेरोगेटरी होती हैं जहां पर जो भी कुछ होता है दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट ऑन द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट मतलब सब कुछ कोर्ट के ही कंट्रोल में होता है कोर्ट के ही सामने होता है उसी के अनुसार होता है और सब कुछ लिखित में होता है इसका सबसे अच्छा फीचर है जो इंटेरोगेट्रीज है वो कुछ भी नहीं है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने पुट करना चाहती है वही का जो पर्पस है टू इलिसिट द ट्रूथ सच्चाई को सामने लाना वही कॉन्सेप्ट है दैट इज जो मैंने आपको बातें बताई बस यही है इससे आगे कुछ नहीं है इससे पूछे कुछ नहीं है दैट इज वॉट इंटेरोगेटरी मीन इन दिंपल लैंग्वेज अब ये जो हम रूल पढ़ेंगे फ्रॉम रूल वन टू रूल नंबर इलेवन इसमें कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो एक्सप्लेनेटरी नेचर के होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को फर्दर इलेबोरेट करेंगे और कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो प्रोसीजरल नेचर के होंगे जो आपको बताएंगे कि इंटेरोगेट्रीज के बारे में व्हाट इज द प्रोसीजर दैट एस दैट हैज टू टू बी बी फॉलोड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट नीड्स सेटिस्फाइड ये सारी चीजें तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग एनालाइज करने को चलते हैं तो बच्चे हमारा जो सबसे पहला रूल है वो का एक एक्सप्लेनेटरी रूल है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो राइट right है इंटेरोगेटरीज का इट इज अल राइट इट इज अवेलेबल टू बोथ ऑफ दार्टीज दिफेंडेंट ठीक है तो किसी भी सूट के अंदर हमारे प्लेन के पास और हमारे डिफेंडेंट के पास क्या अधिकार है कि वो डिलीवर कर सकता है अब का डिलीवर करने मतलब है जैसे मैंने बताया कि आर इन फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है तो डिलीवरिंग दैट डॉक्यूमेंट ठीक है तो हमारा जो plaintiff है और हमारा जो डिफेंडेंट है वो डिलीवर कर सकता है इंटेरोगेट्रीज को राइटिंग के अंदर अपोजिट पार्टी के एग्जामिनेशन के लिए यहां पे एग्जामिनेशन का मतलब क्या है ऑब्वियसली टू आस्क हिम किम द्वेश्चन कि क्या चीजें हैं या फिर किसी भी ऐसी पार्टीज को मतलब किसी भी ऐसी पार्टीज को मतलब मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो डिफेंडेंट किसी भी प्लेंटिफ पे सर्व कर सकता है या सब पे सर्व कर सकता है है जॉइंटली सेम वाइज एक से ज्यादा डिफेंडेंट तो प्लेंटिफ किसी पर्टिकुलर डिफेंडेंट पे भी सर्व कर सकता है इंटरोगेटरी या सब पे कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो एक ही डॉक्यूमेंट सर्व कर रहा है और एक से ज्यादा प्लेंटिव है एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन किसके बारे में है ठीक है कौन से डिफेंडेंट से या कौन से प्लेटिव से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है सो दैट इज बेसिक लॉजिक पर एक बात जिसके ऊपर मैं आप सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि ये जो इंटेरोगेटरीज का जो हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द प्लेनिवर दिफेंडेंट ये सब कुछ हो रहा है कोर्ट की परमिशन के साथ तो मतलब ये एक ऐसा अधिकार नहीं है जो सीपीसी आपको दे रहा है विद नो कंडीशन विद नो रेस्ट्रिक्शन जैसे प्लेन फाइल करने का तो आपका अधिकार है आपको कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे ही डब्ल्यू एस अगर आप विद इन दी टाइम फाइल कर रहे हो तो आपका अधिकार है आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है पर इंटेरोगेट्रीज के बारे में यू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू नीड द लीव ऑफ द कोर्ट ठीक है इसके बिना आप नहीं कर पाओगे सो दिस इज नॉट समथिंग दैट बिलोंग्स टू दरिया ऑफ योर पावर ऑफ डूइंग समथिंग इट इज समिंग जो पार्ट है प्रोसीजर का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है प्रोसीडिंग्स में बट कंट्रोल जो है बच्चे वो स्पोर्ट का रहता है जो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहा है ठीक है तो ये बात हो गई इंटेरोगेटरीज को एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पे सर्व करने की अब आते हैं अगली स्टेज पे जब ये इंटेरोगेटरीज एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी पे सर्व कर दी जाती है तो वो उसके ही इंटेरोगेटरीज के ही नोट पर मतलब नीचे की तरफ उसके फुट पर स्टेट करते हैं वही वाली जो बात मैंने आपको बताई कि अगर एक से ज्यादा या एक से ज्यादा डिफेंडेंट की परिस्थितियां हैं तो बताना पड़ेगा कि कौन सी इंटेरोगेट्रीज का कौन सा प्लेन या कौन सा डिफेंडेंट जवाब देगा जिससे कंफ्यूजन ना हो सबको पता हो कि किसका किससे कौन सा क्वेश्चन पुट किया जा रहा है ठीक है हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंटेरोगेटरीज को आपको डिलीवर करने के लिए कोर्ट की परमिशन तो चाहिए ही पर एक और वाद्यता है इसके ऊपर कि पार्टीज जो इंटेरोगेटरी सर्व कर सकती हैं वो केवल नॉर्मल परिस्थितियों में एक बार कर सकती हैं कोई भी पार्टी एक से ज्यादा बार मोर देन वन सेंट ऑफ इंटेरोगेटरी सर्व नहीं करेगी अपोजिट पार्टी पर अगर उसको ऐसा करना पड़ रहा है फॉर वट एवर रीजन तो अगेन उसको एक सेपरेट परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट के कोर्ट से ऑर्डर जारी करवाना पड़ेगा तो कहने का मतलब है पहली सेट ऑफ सर्व करने के लिए तो परमिशन चाहिए ही और आम परिस्थितियों में पहले के बाद आप दोबारा इंटेरोगेटरी सर्व नहीं करोगे मतलब वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता रहेगा इन्फिनिटी तक ऐसा नहीं है कि आप उसी में लग गए कि एक के बदले दूसरा दूसरे के बदले तीसरा यही होता रहेगा कब कब चलेगा भाई? चलेंगे? कभी भी अगर कोई गलती हो गई है कोई और ऐसा और और को को कर पाते हो, तो को और निकालना पड़ेगा और उस और पे ही रिलाय करके आप एक से ये बच्चे सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है चाहे वो प्लेट हो चाहे वो डब्ल्यू हो चाहे वो एग्जामिनेशन हो अंडर ऑर्डर नंबर टेन और चाहे वो इंटरोगेटरीज हो ऑर्डर नंबर 11 के अंदर इन सभी लोगों का उस मुद्दे से उस सूट से रिलेट करना बड़ा जरूरी होता है मतलब वो रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर के बारे में होना चाहिए तो ये जरूरी है कि ये जो इंटरोगेटरीज डिलीवर की जा रही है इनके अंदर जो क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं भाई वन पार्टी टू द नेस्ट अदर पार्टी वो क्वेश्चंस रेलेवेंट होने चाहिए और रिलेवेंसी किस पे निर्भर करती है किसी भी केस के facts and circumstances पे किसी के, किसी के के भी केस के अंदर जो मुद्दे पार्टी के बीच में उन पर तो मुद्दे आपने निर्धारित कर लिया है ना ऑर्डर नंबर टेन के अंदर तो ऑर्डर नंबर इलेवन के अंदर जब इंटेरोगेटरी सर्व कर रहे हो यू नीड टू स्टिक टू दो ऐसा सवाल या कोई भी ऐसी बात जिसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज से आपको ऐसा कोई सवाल पुट नहीं करना है ठीक है देखो एक और मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं इंटेरोगेट्रीज में और क्रॉस एग्जामिनेशन में फर्क होता है दोनों ही काफी सिमिलर लगेंगे आपको देखने में क्योंकि दोनों का नेचर दोनों का पर्पस काफी हद तक सेम है पर इंटेरोगेट्रीज और क्रॉस एग्जामिनेशन में फर्क होता है पहले सिमिलैरिटी को समझ लेते हैं बच्चे क्रॉस एग्जामिनेशन में आप क्या करते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उससे सवाल जवाब करते हो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से और कोशिश करते हो कि उसके केस में आप कमियां निकालो या उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करो किसी भी तरीके से उसके केस को कमजोर करो बच्चे इंटरोगेटरीज में भी आप यही कर रहे हो आप दूसरी पार्टी से सब जब, जब सवाल जवाब कर रहे हो तो ऑब्वियसली उन सवालों के माध्यम से आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो या तो उसको मुद्दों पर ऐसे मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हो जिससे उसका कमजोर पड़े केस कि कोर्ट की विश्वसनीयता उस व्यक्ति के ऊपर कम हो किसी भी तरीके से उसको केस के अंदर नुकसान हो दैट इज बेसिक पर्पस आपके का अपने केस को मजबूत करना और दूसरे व्यक्ति को कमजोर करना दूसरे के केस को कमजोर करना दोनों ही जगह यही पर्पस रहता है पर दोनों जगह बच्चे फर्क भी होता है पहला तो फर्क यही है कि इंटेरोगेटरी रिटर्न में होती है रिटर्न फॉर्म में होती है और क्रॉस एग्जामिनेशन मोस्टली ओरल फॉर्म में होता है एक तो ये फर्क हो गया एक और बहुत बड़ा फर्क होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का जो पर्सपेक्टिव है जो होराइजन है वो बच्चे कंपैरेटिवली ब्रॉड होता है इंटेरोगेटरी के मुकाबले इंटेरोगेटरी का जरूरी होता है कि मुद्दे तक स्टिक stick रहना स्ट्रिक्टली स्टिक stick रहना तो एनी क्वेश्चन दैट इज नॉट अबाउट द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट उसको कोर्ट इरेलीवेंट मान लेता है और उसको अलाउ नहीं करेगा जब परमिशन मांगी जाएगी ना तो उसको अलाउ नहीं करेगा कोर्ट ऑफ लॉ बोल देगा कि इस क्वेश्चन को हटा लो

पर अगर मैं उस व्यक्ति के क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछता हूं जो उसके प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में है प्रीवियस किसी केस के बारे में किसी प्रीवियस ट्रांजेक्शन के बारे में है अगर मेरे उस सवाल का पर्पस ये है कि मैं उस विटनेस के या उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहा हूं तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उसको अलाउ कर दिया जाएगा भले ही अभी के मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं है पर क्योंकि उसके क्रेडिबिलिटी को वो चैलेंज कर रहा है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोर्ट अलाउ कर देगा पर इंटेरोगेट्रीज में ऐसा नहीं है

उसको तो आप सवाल जवाब केवल क्रॉस एग्जामिनेशन में ही कर पाओगे ठीक है सो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस तो ये जो हमारा प्रोवाइजो है ये इसी स्ट्रिक्ट व्यू को कह रहा है कि इंटेरोगेटरी के अंदर यू नीड टू स्टिक टू दिलिवेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो भले ही क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर शायद स्वीकार हो जाए जरूरी नहीं है कि वो इंटेरोगेटरीज के अंदर भी स्वीकार हों स्पेसिफिकली जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया द्वेश्चन दैट चैलेंज दी क्रेडिबिलिटी ऑफ ए पार्टी ऐसे क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में तो एडमिसिबल होंगे बट इंटेटरी में नहीं होंगे तो अंडर रूल नंबर वन हमने देखा कि के बारे में कानून क्या है ऑफ लॉ कोर्ट की परमिशन के साथ ही होता है और एक ही सेट तक लिमिट रहना होता है उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते अपटिल इंफिनिटी और नीड टू स्टिक जो आपके क्वेश्चन है आपके इंटेरोगेटरीज के अंदर

तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सारे क्वेश्चंस हैं आपकी इंटेरोगेटरीज के अंदर जो आप अपोजिट पार्टी के सामने रखना चाह रहे हो जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हो अपोजिट पार्टी को उसको कोर्ट के समक्ष आपको सबमिट करना पड़ता है तो कहने का मतलब है जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आप अपने इंटेरोगेटरीज की कॉपी भी लगाते हो साथ में सो दैट दी कोर्ट कैन एनालाइज द क्वेश्चन और उनकी भाषा उनका स्ट्रक्चर उनका पर्पस जिसके आधार पर वो डिसाइड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन को अलाउ करना है या नहीं पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट समय सीमा से बंधा हुआ है कोर्ट के पास ऐसी एप्लीकेशन के में बच्चे केवल सात दिनों का समय होता है कि अगर किसी कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई है परमिशन के लिए इन इन रिगार्ड टू इंटेरोगेटरीज तो कोर्ट को उस एप्लीकेशन को डिटरमाइन करना होता है विद इन सेवन डेज के अंदर अब उसको 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 करें 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 या 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 मतलब कि कुछ कुछ करे को ना करे, ये सब उसको जो भी फैसला है है दिनों के अंदर ही लेना है। तो ये ये भी बच्चे अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है तो जितने भी समय अवधि के द्वारा आप लिमिटेशन देखते हो ना वो सारी बच्चे अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं ज्यादातर ठीक है तो उसको आप दिमाग में रखना अब इसके आगे जब भी कोर्ट को फैसला लेना होता है कि कोई भी एप्लीकेशन में अलाव करूं ना करूं तो कोर्ट किन किन बातों को अपने दिमाग में रखेगा कोर्ट दिमाग में रखेगा ऐसी किसी भी बात को जो जिस आधार पर कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी से इंटेरोगेट कर रही है उस आ, उस चीज के बारे में वॉट आर दी पर्टिकुलर आर अवेलेबल मतलब क्या चीजें हैं हमारे पास क्या एडमिशन्स हो सकते हैं उसके बारे में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल उन मुद्दों से जुड़े हुए इन सारी चीजों को कोर्ट पिक्चर में रखेगा मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उस टाइम पर जिस टाइम पे एप्लीकेशन फाइल की जा रही है जो भी उस केस की एग्जिस्टिंग स्टेट है वॉट आर दी एविडेंसिस क्या क्या एडमिट हुआ है क्या क्या डिनाई हुआ है क्या क्या दस्तावेज अभी तक रिकॉर्ड पे आए हैं उन सारी बातों को तवज्जो तो देना पड़ेगा ना तभी तो आप किसी भी इंटेरोगेटरी की रिलेवेंसी को टेस्ट कर पाओगे ये सारी करने के बाद कोर्ट हमारा जो है वो इंटेरोगेट्रीज के बारे में परमिशन को देगा और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अलाउ करेगा उस इंटेरोगेटरी के अंदर जो कोर्ट को जरूरी लगेंगे कोर्ट को जरूरी लगेंगे और ये जो जरूरत है ये अगेन किसके बारे में होनी चाहिए इन रिगार्ड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट नॉट इन रिगार्ड टू क्रेडिबिलिटी ऑफ पार्टी डिस्प्यूट मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए तो कहने का मतलब है जब भी कोर्ट को फैसला लेना होगा एज रिगार्ड्स की हमको इसको अलाउ करें या डिसअलाउ करें तो वो उस उस को को उसके हर एक क्वेश्चन जज करेगा केस के प्रेजेंट स्टेट के आधार पर जो भी उसमें डेवलपमेंट सो फार हुई है और उसके बाद एनालाइज करने के बाद जो भी क्वेश्चन उसको जरूरी लगेंगे केवल उन्हीं के बारे में परमिशन देगा कहने का मतलब है ये जो पावर है इंटेरोगेटरीज की इसको ऐसे फ्लेक्सिबल मैनर में यूज नहीं करना है इसको मिस यूज नहीं करना है इसको बहुत ही पर्टिकुलर और बहुत स्ट्रेट रखना है जिससे सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो ऐसे मुद्दे ना आए सामने जो जरूरत ही नहीं है जिन पे डिसीजन लेना ऐसा कई बार हो जाता है कई बार पार्टीज को कुछ करने का अधिकार देते हो ना तो वो ये पहले सोचते हैं कि इसका मैं मिसयूज कैसे करूं तो फॉर दैट रीजन द कोर्ट हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर और उसको केवल ऐसे ही इंटेरोगेटरी अलाउ करना है जो कंसिडरिंग दिचुएशन ऑफ द केस उसको जरूरी लगते हैं नेसेसिटी का आधार है ठीक है जो सही रहेंगे तो ये सारी बातें हैं तो हमारा रूल टू का जो बेसिक पर्पस है दैट इज अबाउट द लीव जो कोर्ट परमिशन देता है कोर्ट परमिशन देते वक्त कोर्ट की क्या पावर्स एंड व्हाट आर दी कंसीडरेशंस जो कोर्ट को दिमाग में रखनी है वो उसका मेन सब्जेक्ट मैटर है रूल नंबर थ्री जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिक सा है ये कॉस्ट की बात करता है ये कॉस्ट का मतलब क्या है देखो बच्चे क्या होता है कि कोई भी केस चलता है तो केस में हजारों मुद्दे होते हैं हजारों चीजें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जिसमें कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन होता है और कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ दूट किसी भी मुद्दे को डिले करना किसी भी तरीके से कोर्ट का समय बर्बाद करना या किसी भी तरीके से पार्टी को परेशान करना या अननेसेसरली चीजों को डिले करना ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कोर्ट कंसिडर करता है जिनको अगर कोई व्यक्ति करे तो उसको उसका खामियाजा भरना चाहिए तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट के सामने कभी कोई एप्लीकेशन आए या फिर कोर्ट को खुद ऐसा लगे कि किसी भी रेस्पेक्टिव पार्टी ने इंटेरोगेटरीज का मिसयूज़ किया है कैसे मिसयूज़ किया है उसको अनरीजनेबल तरीके से प्रेजेंट किया है उसमें वैक्सेशियस क्वेश्चन पूछे वैक्सेशियस क्वेश्चन मतलब बिना सर पैर के क्वेश्चंस मिसलीडिंग क्वेश्चंस पूछे इम्प्रॉपर लेंथ जिससे समय वही होता है ना समय खाना कोर्ट का समय खाने वाली बात इम्प्रॉपर लेंथ जो लगी है आपने पचास पन्नों का इंटेरोगेटरी बना के भेज दिया कोर्ट पागल हो जाएगा उसको पढ़ते हुए और हमारा अपोजिट पार्टी पागल हो जाएगी उसका जवाब देते हुए तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि लग रहा है कि, कि किसी भी पार्टी की इंटेरोगेट्रीज अनरीजनेबल नेचर की है वैक्सेशियस नेचर की या इमप्रॉपर लेंथ की है तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है कि ऐसी सिचुएशन में जो भी गुनेगार होगा गुनेगार होगा मतलब जो भी इसके पीछे होगा जिसका भी फॉल्ट होगा उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो इफ द कोर्ट फाइंड्स द इंटेरोगेटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी वाज़ अनबल इट आस्क्ड वेक्सिशियस क्वेश्चंस इट कैन इंपोज कॉस्ट ऑन इट कि भाई आपको इतना खर्चा उठाना पड़ेगा आपकी वजह से इतना सामने खराब हुआ पार्टी इतनी परेशान हुई ये हुआ वो हुआ फॉर द आठ मिनट और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इसी काम को कर रही हूँ ऐसी सिचुएशन में दोनों पे कॉस्ट सिंपोज होगी और दोनों को शेयर करना पड़ेगा जब जहां तक उनका फॉल्ट है उसके हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब अगर आप स्किप करना चाहो दैट इज आल्सो फाइन पर ठीक है ऐसी रूल नंबर फोर जो है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बताता है कि जो हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट जो होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्म क्या होता है तो अगर आप अपने सीपीसी के कुछ लास्ट के पन्नों पे जाओगे तो वहां पे आपको एक अपेंडिक्स सी मिलेगा बच्चे उसका जो फॉर्म नंबर टू है छोटा सा फॉर्म है पांच छह लाइन का है अगर अभी देखना चाहो तो अभी भी देख सकते हो क्लास के बाद देख लेना उसमें बताया गया है कि इंटेरोगेट्रीज आपको किस तरीके से पूछनी होती है इज इज फॉर्मेट स्ट्रक्चर तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको एग्जाम में इसको लिख के के टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चे, है बच्चे ठीक बस समझने के लिए जानने के लिए बहुत अच्छा है फिर इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चे रूल फाइव के अंदर जो बात करता है कंपनी की बॉडी कॉर्पोरेट की कॉर्पोरेशन की तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो मुद्दा है जो सिविल केस चल रहा है उसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व है

तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो अपोजिट पार्टी है जो कंपनीज के सामने कंपनी के सामने रखना चाहती है तो क्या करेगी उसी पर्टिकुलर पर्सन जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रहा है वो जो ऑफिसर है वो जो बंदा है उसको डिलीवर करेगी वो इंटेरोगेटरीज और वही जो व्यक्ति है वो उन इंटेरोगेटरीज उन का रिस्पॉन्स देगा और वो जो भी रेस्पॉन्स देगा उसको कंपनी का रेस्पॉन्स माना जाएगा वैसे कहने वाली बात नहीं है तो वैसे इंप्लाइड सिचुएशन है बट अलग से लिखा हुआ है तो हमको पता होनी चाहिए कि के में, of जो के में करता है। उसी के ऊपर सर्व होती है और कंपनी के बिहाफ पे अगर वो इंटेरोगेट्रीज सर्व करना चाहता है अपोजिट पार्टी पे तो वही करता है दैट इज सिचुएशन बस कोई फर्क नहीं है सिविल केस के लिए तो मानो हमारे लिए वही पार्टी है ठीक है तो इस तरीके से काम चलता है अब अब आता है रूल अब रूल में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, क्योंकि रूल सिक्स है बच्चे ऑब्जेक्शन के बारे में ध्यान से देखना अब मानो कभी क्या हुआ कि, कि किसी प्लेटिव ने या डिफेंडेंट ने इंटेरोगेटरी सर्व करना चाहिए दूसरी पार्टी पे और जैसे मैंने आपको बताया रूल टू के अंदर उसने पहले तो एप्लीकेशन फाइल करी होगी court of law के सामने उसने application करी थी और उसकी application अलाव, हो और अलाव होने के बाद opposite party पे interrogatory सर्व हो गई अब वो जो अपोजिट पार्टी है जिसपे इंटेरोगेट्री सर्व हुई है अब वो उस इंटेरोगेट्री पूरी इंटेरोगेटरी पे या उसके किसी क्वेश्चन के खिलाफ ऑब्जेक्शन लेना चाहता है वो ऑब्जेक्शन किस किस आधार पर हो सकता है उस पार्टी का यह कहना हो सकता है कि ये जो सवाल पूछा गया है स्कैंडलस स्कैंडलस नेचर का है। का मतलब है। इंपॉर्टेंट ना हो तो यह स्कैंडलस है तो अगर कोई पार्टी है जिसपे इंटेरोगेटरी सब हुई है वो ऑब्जेक्शन लेना चाहता है कि उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको

इेलिवेंट क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन के साथ परेशानी नहीं है जिस तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया गया है तो देखो बच्चे कई बार क्वेश्चन क्या है उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप उनका कुछ भी जवाब दे लो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में ही लगोगे इट इज क्वेश्चन दैट मैटर्स तो अगर ऐसी कोई परेशानी है कि कोर्ट को लग रहा है कि वो जो इंटेरोगेटरी है जो एग्जिबिट की गई है वो बोनाफाइड मैनर में नहीं की गई मतलब एक गलत आशय के साथ एक गलत इंटेंशन के साथ की गई है ठीक है या फिर ये रिलेटेड है रिलेवेंसी वाले पॉइंट से कि जो मुद्दों पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इस स्टेज पर ये इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि जिस स्टेज पर अभी कोई पर्टिकुलर केस है जिस टाइम पे इंटेरोगेटरी सर्व की जा रही है उस टाइम पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है देखो इन दोनों में फर्क समझना के अंदर कोई भी चीज जो पूछी जा रही है वो ऐसी है जो है जो इंपॉर्टेंट ही नहीं ना अभी ना कभी होगी ये वाली जो चीज़ वाली जो चीज है स्टेज यहां पर क्या होता है कि कभी यहां पे ऑब्जेक्शन इस तरीके से लिया जाता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो हो सकता है इस केस के लिए रिलेवेंट तो हो सकता है पर अभी नहीं है आगे चल के होगा जैसे कई बार बच्चे किसी केस की दो स्टेजेस होती हैं जैसे मैं किसी व्यक्ति पे केस फाइल करूं कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में ट्रस्टी है और उसने ट्रस्टी रहते हुए इस प्रॉपर्टी का किया है तो ये जो केस है बच्चे इसके दो स्टेप हैं पहले तो ये साबित होगा कि वो ट्रस्टी है जब वो ये साबित हो जाएगा कि वो ट्रस्टी है तभी तो बारी आएगी कि उसने उस प्रॉपर्टी को मिस किया या नहीं किया गेटिंग माई पॉइंट तो अभी मानो यही साबित नहीं कर पाया हूं मैं कि वो व्यक्ति ट्रस्टी है और इस पॉइंट पे रिलेवेंट उस तो हो सकता है कल को अगर मैं प्रूफ कर पाया कि वो ट्रस्टी है पर अभी एट दिस स्टेज तो नहीं है ना जब तक वो चीज साबित नहीं होती तो ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो उस पर्टिकुलर स्टेज पे इज नॉट मटीरियल ठीक है या फिर कोई प्रिविलेज का भी सहारा लिया जा सकता है बच्चे कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे होती हैं। होती जहां मतलब आपको मैंने एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ाया था जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कम्युनिकेशन बिटवीन लीडर्स एंड क्लाइंट और कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर कम्युनिकेशन को प्रिविलेज रखा जाता है तो अगर कोई इंटेरोगेटरी पूछी जा रही है कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज आस्किंग यू टू गिव इंफॉर्मेशन ऐसी सिचुएशन के बारे में जो इस प्रिविलेज कैटेगरी में आ रही है तो ऑब्वियसली उसके बारे में तो आप बात दे नहीं हो आंसर देने के लिए तो इसके आधार पर भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो या फिर और कोई भी ग्राउंड अगर इसमें से कुछ छूट गया है वैसे काफी ब्रॉड है अगर और कोई भी ग्राउंड है तो आप इस बात का ऑब्जेक्शन ले सकते हो पर बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑब्जेक्शन ले तो रहा है पार्टी ये लिया कैसे जाएगा अब इसके लिए समझने के लिए आपको पहले कहानी समझनी पड़ेगी वो कहानी ये है कि में जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इंटेरोगेट्रीज सर्व कर देती है विद परमिशन ऑफ द कोर्ट वो जो दूसरी पार्टी है जिसपे इंटेरोगेटरी सर्व हो गई है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इस इंटेरोगेटरी का जवाब देना होता है बच्चे ये इंपॉर्टेंट है मतलब दी अदर पार्टी जिससे वो क्वेश्चन पुट किए गए हैं उसको आंसर करना ही होता है and unless, वो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है दोनों ही सिचुएशन में चाहे वो उस इंटेरोगेट्रीज का आंसर कर रही हो चाहे वो ऑब्जेक्शन ले रही हो एक पर्टिकुलर तरीका है जैसे वो करना होता है वही जो अप है उसमें जो फॉर्म नंबर थ्री है वो उसी रिस्पॉन्स के बारे में है वो लिखा नहीं है मैं आपको बताऊं उसी रिस्पॉन्स के बारे में है जो इंटेरोगेट्रीज के रिस्पॉन्स दिया जाता है बाई दी पार्टी इसको इंटेरोगेट्रीज सर्व किए जाते हैं पर ये जो रेस्पॉन्स होता है बच्चे इट इज ऑलवेज ऑन एफिडेविट 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 की मैंने आपको रिलेवेंस पहले भी बताई है एफिडेविट पे इसलिए होता है क्योंकि उसको अंडर ओथ अपने आंसर देने होते हैं जिससे उन आंसर्स की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन ना किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो जवाब दे रहा है वो सही ही दे रहा होगा दैट इज द रीजन जो रिस्पॉन्स आता है टू द इंटेरोगेटरीज दैट इज एस पर फॉर्म नंबर थ्री ऑफ एपेंडिस विदिडेविट तो आंसर देते हो आप तब भी वही करते हो और बच्चे जब ऑब्जेक्शन लेते हो अंडर दिस रूल रूल नंबर सिक्स यहां पे भी ऑब्जेक्शन यू टेक द द ऑन बेसिस ऑफ दैट एफिडेविट ओनली ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के सामने कोई फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करोगे या कोई जवाब ही नहीं दोगे या कोर्ट में आके आर्ग्यूमेंट करोगे नहीं 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 तो आपको देना पड़ेगा बस रेस्पॉन्स में आंसर के बदले आपके ये ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, पर ऐसा भी हो सकता कर रहे तो also, आपको देना ही पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्म ओनली पर ऑब्जेक्शन के एक बार ग्राउंड रिवाइज कर लो बच्चे स्कैंडलस होना क्वेश्चन का इरेलीवेंट होना बोनाफाइड तरीके से ना पूछा जाना उस पर्टिकुलर स्टेज पर रिलेवेंट ना होना सफिशियंटली मटीरियल ना होना प्रिवलेज सिचुएशन को बिलोंग करना या फिर कोई दूसरा ग्राउंड इन सारी के आधार पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है रूल नंबर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको चार पांच बार पढ़ना ठीक है अब रूल नंबर सिक्स हो गया पहला तरीका जब भी इंटेरोगेटरी के साथ परेशानी होती है ना बच्चे कोई दिक्कत होती है इंटेरोगेट्रीज में तो दो तरीके होते हैं पहला तरीका बताया गया रूल नंबर सिक्स में जो हमने अभी पढ़ा ऑब्जेक्शन के बारे में दूसरा तरीका बताया गया रूल नंबर सेवन के अंदर रूल नंबर सेवन के अंदर दूसरा तरीका क्या है उसको पढ़ते हैं ये जो इंटेरोगेटरीज हैं जो एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को डिलीवर की गई हैं उनको बच्चे सेट असाइड भी किया जा सकता है किस आधार पर सेट असाइड किया जा सकता है आप देखना कि उनको अनरीजनेबली एक्सेप्ट मतलब उसमें जो क्वेश्चन हैं वो अनरीजनेबल हैं शियस क्वेश्चन है ठीक है कि वो ऑपरेसिव नेचर के हैं अननेसेसरी हैं स्कैंडलस हैं तो इन आधार पर इन इंटेरोगेटरी को सेट असाइड भी किया जा सकता है पर फर्क क्या है ऑब्जेक्शन लेने में और इसको सेट असाइड करने में ये फर्क को समझना है क्योंकि ग्राउंड्स भी देखो ग्राउंड थोड़े बहुत अलग अलग हैं पर कहीं ना कहीं ओवरलैप है जैसे स्कैंडलस वाला ग्राउंड हो गया रिलेवेंसी वाला ग्राउंड हो गया अननेसेसरी और रिलेवेंसी लगभग लग लगभग लग ओवरलैप लग लग करते ही है अनरीजनेबिलिटी भी कहीं ना कहीं वहीं आ जाती है तो शब्द भले ही अलग हों पर प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो ओवरलैप करेंगे ठीक है पर स्ट्राइकिंग आउट और टेकिंग ऑब्जेक्शन ये दोनों अलग चीजें हैं जब आप स्ट्राइकिंग आउट मतलब इस रूल नंबर सेवन पर रिलाय करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है उसी कोर्ट के सामने और ये जो एप्लीकेशन फाइल फाइल करती है पार्टी वो सात दिनों के अंदर करती है विदिन सेवन डेज कब से अकाउंट होते हैं वो सात दिन उस दिन से जब वो इंटेरोगेटरीज डिलीवर हुई थी और इनको कौन करता है असाइड कोर्ट ऑफ लॉ है तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी पार्टी पे इंटेरोगेटरी डिलीवर हुई हैं और उसे इस इंटेरोगेटरी से कोई परेशानी है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है या और कोई उसको दिक्कत है और कोई परेशानी है मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसके खिलाफ वो ऑब्जेक्शन लेना चाह रहा है या फिर वो उनका जवाब नहीं देना चाह रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है पहला है रूल सिक्स के अंदर कि वो कोर्ट के पास भागा भागा ना जाए अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ना ले सिंपल जैसे वो आंसर देता इन, का वैसे ही एफिडेविट बनाए और एफिडेविट में जिस जिस क्वेश्चन के खिलाफ खिलाफ ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन है उनके खिलाफ रेस कर दे जो भी ग्राउंड मैंने हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन पे इस ग्राउंड से ऑब्जेक्शन है ऐसा जरूरी नहीं बचे सारे क्वेश्चंस में सेम ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन हो किसी क्वेश्चन के खिलाफ ऑब्जेक्शन हो सकता है कि स्कैंडलस नेचर का है किसी के खिलाफ इरेलीवेंसी का आधार हो सकता है ठीक है तो वो रेस्पॉन्स के तौर पर आप दूसरी पार्टी को दे दोगे खत्म आपका काम खत्म हो गया आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ा कोर्ट से कुछ कहना नहीं पड़ा एक दूसरा और तरीका है कि आप कुछ मत करो आप रिस्पॉन्स वगैरह मत दो आप सीधे जाओ कोर्ट के पास और कोर्ट के सामने वो इंटेरोगेटरी सबमिट करो अलोंग विद योर एप्लीकेशन कि देखो ये ये क्वेश्चन हैं जिनके खिलाफ आपको इनमें से कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है कि वो अनरीजनेबल लग रहे हैं वैक्सेशियस लग रहे हैं ऑपरेसिव लग रहे हैं जो भी है जो भी आपका आधार है उस एप्लीकेशन के अंदर आप, आप ले लो अब कोर्ट उस एप्लीकेशन को अगर अलाव करेगा तो उसको माना जाएगा कि उसने उस को कर दिया। करने का मतलब क्या है अब आप सोच रहे कि सर रूल सिक्स में और रूल सेवन में फिर फर्क क्या हुआ देखो रूल सिक्स में पार्टी ने खुद अभी जजमेंट किया है कि उसको कोई क्वेश्चन इंट लग रहा है और वो उस ऑब्जेक्शन को लेकर वापिस भेज रहा है अभी कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं लिया है ऐसा हो सकता है कि अपोजिट पार्टी जिसको आपने वापस कर दिया एक लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्शन के बावजूद अगर कोर्ट आपसे सहमत ना हो तो आपको बोल दे कि भाई आपको इसका आंसर देना पड़ेगा राइट दैट मे पर रूल नंबर सेवन के अंदर फायदा क्या है आप इस पूरी लंबी कार्रवाई को शॉर्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग दी ऑब्जेक्शन जिसको वो पार्टी पड़ेगी फिर आगे कोर्ट के सामने कभी जाएगा उस सारी झंझट से बच के आप डायरेक्ट खुद ही कोर्ट के पास चले जाओ उस इंटेरोगेटरी को लेके अलोंग विद ग्राउंड जिसपे उनको चैलेंज कर रहे हो आप एप्लीकेशन फाइल कर दो तो इससे क्या होगा विदाउट दी सिचुएशन की अपोजिट पार्टी पे ऑब्जेक्शन जा रहा है वो सारी सिचुएशन डायरेक्ट कोर्ट के सामने है और कोर्ट वही के वही डिसाइड कर देगा कि आपको लग रहा है जो परेशानियां हैं उन क्वेश्चंस के साथ वो हैं भी या नहीं अगर आपकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो वो इंटेरोगेटरी वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी और अगर आपके ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं किया तो आपको उनका आंसर देना पड़ेगा तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है थोड़े से ग्राउंड है और थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है वेन यू गो फॉर स्ट्राइकिंग आउट वाली सिचुएशन क्योंकि टाइम लिमिट भी है ठीक है क्योंकि कोर्ट को बोला गया है कि ये जो पूरा है उसको जो पार्टी है उसको सात दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स देना है तो सात दिन के अंदर अगर वो ऐसा ऑब्जेक्शन लेगी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करेगी तो ऑब्वियसली काम थोड़ा सा जल्दी होगा तो यही बेसिक सा डिफरेंस है पर मैं आपको यही बोलूंगा कि एक बार दोनों के ग्राउंड्स को साइड बाय साइड लिख के कंपेयर कर लेना और एक बार थोड़ी सी कोशिश कर लेना कि याद हो जाए जैसे यहाँ पे अनरिजनेबल ये इंपॉर्टेंट है वैक्सीशियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है

मैंने आपको बताया कि जवाब देने का तरीका क्या होता है आंसर कैसे करना होता है आपको आपको एफिडेविट फाइल करना होता है आप जो जिस व्यक्ति पे इंटेरोगेटरी सर्व हुई है अब वो चाहे आंसर करे चाहे ऑब्जेक्शन ले रूल सिक्स के अंदर उसको एफिडेविट के थ्रू ही लेना है और उसको ऐसा करना होता है बच्चे दस दिन के अंदर विद इन टेन डेज के अंदर ये नॉर्मल सिचुएशन है और अगर वो कोर्ट से और टाइम चाहती है तो उसे कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और कोर्ट उसके लिए टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है पर नॉर्मली दस दिन का समय है। तो इस बात को भी समझो और जहां तक रूल नंबर सेवन की बात है सेटिंग असाइड की अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है के तो है के खिलाफ तो यू हैव डेज ठीक ऐसे याद कर लो कि रूल नंबर भी सेवन है और टाइम भी आपके पास सात दिन का ही है पर ऑब्जेक्शंस के लिए या फिर आंसर के लिए आपके पास कितना समय होता है दस दिन का दस दिन का समय होता है तो टाइम लिमिट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेन डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है थ्रू दी एफिडेविट जब तक कि उस टाइम को कोर्ट एक्सटेंड ना करे जो आमतौर पर बच्चे आजकल बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है कोर्ट ऑफ लॉ समय के बारे में नहीं करता और जहां तक ये रूल नंबर भी आपको बता दिया मैंने जो फॉर्म है रिस्पॉन्स का मतलब जो इंटेरोगेटरीज uh, का रिस्पॉन्स आएगा वो भी अपेंडिक्स सिक्स में ही लिखा हुआ है आप अपने स्टेच्यू के लास्ट में जाएंगे और उसका फॉर्म नंबर थ्री देखेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा कि रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लिख के आप अपना टाइम वेस्ट मत करना इससे बढ़िया कुछ किसी और पॉइंट को इलेबोरेट कर देना फिर आते हैं रूल नंबर टेन पे रूल नंबर टेन कुछ नहीं है रूल नंबर टेन बड़ा सा, सिंपल सा है, कि ये कहता है आंसर दे रहे हो इंटेरोगेटरीज का ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना ही है मतलब यू कांट स्किप क्वेश्चंस अगर देखो अगर आप पे इंटेरोगेटरी आई है फॉर एग्जाम्पल आपसे पांच क्वेश्चन का जवाब के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेस करो या फिर आउट के लिए जाओ आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सवाल का आप जवाब खाली छोड़ दे रहे हो या तो रेस्पॉन्स दो या ऑब्जेक्शन उठाओ यू चूज वन पर्टिकुलर वे You can't skip it. तो कहने का मतलब है इंटेरोगेटरी अपनी तरफ से एक भी आती है कि आपको उसका रेस्पॉन्स देना पड़ता है ठीक है टेन के अंदर आता है ठीक है और जहां तक बात रही किसी भी ऐसी सिचुएशन की कि मानो किसी ने रिस्पॉन्स दिया इंटेरोगेटरी का रेस्पॉन्स दिया और उसमें सवाल भी के जवाब भी दिए पर जो अपोजिट पार्टी है जिसने इंटेरोगेटरी पेश की थी मानो वो उन सवालों से सेटिस्फाई नहीं है देखो ये दो चीजें अलग हैं एक होता है सवाल का जवाब देना एक होता है सवाल का जवाब देना इन डिटेल्ड मैनर जितना रिक्वायर्ड है ये दोनों अलग चीजें हैं जो वाद्यता है वो सवाल का जवाब देने की है और इसी के अंदर ये भी इंप्लाइड है कि जो जवाब होगा वो सफिशियंट होना चाहिए उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ऑब्वियसली मानो कोई पार्टी बदमाश है उस पर इंटेरोगेट्री सर्व हुई अब वो इंटेरोगेट्रीज का जवाब तो दे रही है पर वो फॉर्मेलिटी कर रहा है मतलब उसको सफिशियंट डिटेल में नहीं दे रहा जिससे वो जवाब का होना या ना होना बराबर है ऐसा भी तो हो सकता है तो ऐसी सिचुएशन में जिस पार्टी ने इंटेरोगेटरी सर्व करी थी जिसपे वो जवाब आएंगे वो उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन तो लेगा ही ना लेगा ही ना तो ऐसा अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लेना है अपोजिट पार्टी को जिसने इंटेरोगेट्री सर्व की थी वो किसके सामने लेगा कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लेगा तो जब वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रेस करेगी पार्टी ये कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो इंटेरोगेटरीज हैं जिनका रेस्पॉन्स दिया है बाई द अपोजिट पार्टी क्या वो सफिशियंट है या नहीं कोर्ट का डिसीजन होगा अगर कोर्ट को लगेगा कि वो सफिशियंट है तो वो की इंटेर को नहीं खींच सकते है उन का तो वो उस पार्टी को जिसको इंटेरोगेट्री सर्व की गई थी उसको दोबारा बोलेगी कि भाई आप इसके सही आंसर दो और ऐसा भी हो सकता है कि उस पर कॉस्ट वगैरह भी इंपोज करते जब भी पार्टी बदमाशी करती है

नाउ गोइंग टू द वेरी लास्ट रूल बच्चे जो आखिरी रूल है इस ऑर्डर का आखिरी रूल लेंगे ये जो इंटरोगेटरी का कांसेप्ट है इसका आखिरी रूल है ठीक है बड़ा सिंपल सा है इसमें कुछ भी नहीं है अगर कोई भी व्यक्ति जिस पे इंटरोगेटरी सर्व की गई थी अगर वो किसी सवाल का जवाब देने को छोड़ देता है मैंने बोला ना कि आपको जवाब देना है मानो उसने जवाब नहीं दिया किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया या फिर किसी सवाल का जवाब दिया पर कोर्ट ने पाया कि वो सवाल का जवाब इनसफिशियंट है क्योंकि फैसला उसी को लेना है तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टी जिसने सवाल पूछे थे वो क्या करेगी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल करेगी और एप्लीकेशन किस बारे में होगी एप्लीकेशन के अंदर वो पार्टी ये लिखेगी कि ये जो अपोजिट पार्टी है जिसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है या इनसफिशियंट तरीके से दिया है उसको कोर्ट मजबूर करे उसको कोर्ट मजबूर करे कि अगर उसने जवाब नहीं दिया है तो उसका जवाब दे और अगर सफिशियंटली नहीं दिया है तो सफिशियंटली दे और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है ऐसी एप्लीकेशन से और एग्री करता है तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है और अपोजिट पार्टी को मजबूर कर सकता है ऐसी किसी भी इंटेरोगेटरी के किसी भी सवाल को जिसका उसने जवाब नहीं दिया है उसका जवाब देने के लिए या फिर देने के लिए पर यहां पर जब कोर्ट ऐसा करेगा मजबूर करेगा एप्लीकेशन फाइल करने पर यहां, पर यहां तो कोर्ट वो पुराना रास्ता अपना सकता है जो रास्ता नॉर्मली आंसर देने पे किया जाता है इंटेरोगेटरीज के कि आप वही अपेंडिक्स का फॉर्म नंबर थ्री और एफिडेविट के साथ दो अपोजिट पार्टी को या फिर उसको एक और चॉइस भी दे सकता है कि आप भैया आके खुद ही बोल दो आंसर आंसर दे दो आल्सो फाइन तो जब एप्लिकेशन फाइल होती है एब्सेंस ऑफ के आधार पर या फिर ऑफ आंसर के आधार पर तो कोर्ट जब ऑर्डर जारी करता है बाई इट्स ओन चॉइस वो एफिडेविट में भी आंसर ले सकता है या फिर

From rule rule up till rule number 11. So these are the rules interrogatories किसी भी civil suit के अंदर interrogatories का part भी बनते हैं और कभी कभी अगर आप सही तरीके से को frame कर पाए तो आपके लिए बड़े कारगर साबित होते हैं तो इन रूल्स को आपको सभी को रूल वन से लेकर रूल इलेवन तक दो तीन चार बार रिवाइज करना है रीड आउट करना है बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है बस रीड आउट करना है और जरूरत पड़ने पे अगर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो टाइम है आपके पास तो देखना जरूर है उससे क्या होगा आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा इंटेरोगेट्रीज एक ऐसी सिचुएशन है जिसको समझना बड़ा आसान है कहानी की तरह है जैसे मुझे लग रहा है कि काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा और एक दो बार और पढ़ोगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसके बारे में अगर आप आंसर लिखोगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू आपको बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो दिस दिस वाज़ दी एजेंडा आज के लिए हमने ऑर्डर नंबर टेन पढ़ा और ऑर्डर नंबर इलेवन का आफ्टर रूल नंबर इलेवन पढ़ा अब जो कल क्लासेस बच्चे कल भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन को स्किप कर रहा हूं Uh, जो हमारा समर ब्रेक होगा उसके बाद दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से ट्रैक पे ले आएंगे पर कल लेकर मुझे और दिन दे दो सीपीसी के लिए क्योंकि मैं इस ऑर्डर को खत्म कर लू ठीक है तो हम जो कल का दिन होगा हमारा तो इस ऑर्डर को भी हम ऑर्डर नंबर इलेवन को भी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें जो इंस्पेक्शन वाला कॉम्पोनेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसको भी समझना आसान है हो जाएगा पहले मुझे आप सभी लोग बताओ आई वी ऑल क्लियर अबाउट ऑर्डर नंबर इलेवन कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई इंटेरोगेट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है कर लोगे बच्चे रिवाइज जरूर कर लेना मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ केवल क्लास को अटेंड करना या फिर यहाँ पे समझ लेना सफिशियंट नहीं होने वाला है इनफैक्ट ये मेहनत खराब हो जाएगी इन दबसेंस ऑफ रिविजन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोबारा से एक घंटे की क्लास देखो तो कम से कम अपने स्टैच्यूट से उसको दो तीन बार रिवाइज कर लो दैट विल ऑल्सो डू इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा स्टेच्यूट के साथ ठीक है चलो थैंक यू सो मच बच्चे आप सभी लोगों से मैं कल मिलूंगा और कल हमारा टीपीए का केस लॉस और सेवन थर्टी और नाइन पे सीपीसी की क्लासेस होंगी थैंक यू सो मच गुड नाइट बाय